जो हम आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि मिलने वाला था, थोड़ी सी कमी रह गई, तो क्या वहाँ पे भी कोई चूक रही है? देखिए एक बात मैं बताऊँ, आप अकेले भूपेंद्र हुड्डा क्यों करो, क्योंकि सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री वो थे। मैं बोला सुन लीजिए, इस देश में कांग्रेस का राज रहा, उसमें सारे आगे, इस देश में भाजपा का राज रहा, इस देश में तीसरे मोर्चे का राज रहा, इस देश में देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री रहा, किसी के समय भी नहीं मिला, कौन से ने दिया? 1983 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जाट की सिफारिश हुई कि जाट अहिर यादव कुर्मी कोयरी पटेल के समकक्ष है, इनको आरक्षण मिले। तो उस समय हमारे ताऊ देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री थे, बेचारे की नहीं चली होगी, अजीत सिंह भी था चौधरी चरण सिंह का बेटा, उनकी भी नहीं चली होगी। उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा वो भी रहे, बंसीलाल भी रहे, ओम प्रकाश चोटाला जी भी रहे, कौन नहीं रहा? किसी ने नहीं दिया। अब नहीं देने के कारण होंगे वो तो वो बताएं, तो वो मेरे परिवार तो पूरी छत्तीसगढ़ बरादरी में किसी के खिलाफ क्यों बोलूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे नेता ला पाए या नहीं ले पाए वो तो उनसे वो बताएं, लेकिन रमेश दलाल तो 55 लड़ाई जीतता है और वो जरूर जीतेगा, और वो जाट सहित 6 जातियों का आरक्षण लेकर के आएगा, और वो भी 12 स्टेट में केंद्र की ओबीसी सूची में। सम गोत्र विवाह को अवैध करार करवाने का कानून बनवाएगा, और जमीन अधिग्रहण के कानून पे जो विश्वासघात हुआ है उसमें सुधार करवाएगा, और किसान की जो जमीन जा रही है उसमें न्याय दिलवाएगा। वो तो लड़ेगा, लड़ता आया, तो मैं आरोप लगाने के बजाय मैं उनको कहूँ भगवान इनको सुध बुद्धि देना।